परमेश्वर के कलाम को हम सीख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं? How many of you are happy that we are learning something from the word of God? कोई आप में से वहां लिखकर बता सकता है कि कल रात यानी कि भारतीय समय के अनुसार रात को 10 बजे हमने क्या सुना था? So can anybody please type or write down what did we learned yesterday according to Indian timing 10 p.m. night session? Yesterday night 10 p.m. what we people learned? कल रात 10 बजे हमने क्या सीखा? Anyone is there? क्या कोई है? नवीन कुमार जी मी नॉट फॉर यू ओनली I'm asking to everyone. आप ही से नहीं मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ सभी से पूछ रहा हूँ Yesterday night कल रात को we people learned something हमने कुछ सीखा था what we people learned हमने क्या सीखा Wow, Shweta Kiran, they wrote to the book of Isaiah chapter 53, 1 to 7. Well, that's good. Shweta Didi ne jawab diya hai, Yeshaya 53 ka 1 se 7, bahut achha hai ye. So what that means, prophet Isaiah, before 800 years ago, he prophesied about death of Christ. Jo Yeshaya Nabi hai, वह 800 साल पहले यीशु के जन्म से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की उसकी जो कलेश है उसकी जो दुख है वह उसकी भविष्यवाणी कर रहा है Now the time coronavirus going on the world इस समय कोरोना वायरस चल रहा है दुनिया में Many people they say बहुत से लोग कहते हैं every 100 years after that every 100 years one of the record one kind of the virus has come यह एक रिकॉर्ड है कि हर 100 साल में एक ना एक वायरस आता है। Like in 1960, 1980, like that they will be counting to this. और वे 1960 ऐसे करके वो उसको गिन रहे हैं, गिनते हैं। Every 100 years. हर 100 साल में। Every 200 years. हर 200 साल में। Maybe that's true. क्या पता ये सच है? That's maybe true. ये सच है। They have some record. क्योंकि उनके पास कुछ सबूत है। 200, 300, 400. 200, 300, 400 साल They have the proofs. महामारी है क्या एक? Same like. सबूत है ऐसे ही. Same like. इसी प्रकार. 800 years before prophet Isaiah he prophesies. 800 साल पहले भविष्यवक्ता यशाया ने यह भविष्यवाणी की थी उसका सबूत है. May Lord come to the earth he will suffer. कि एक मसीहा आएगा और वह दुख उठाएगा. For whom? किसके लिए? For whom? किसके लिए? Our sins. हमारे गुनाहों के लिए. Our sins. हमारे गुनाहों के लिए. Our problems. हमारे दुखों के लिए. Our sickness. हमारे He will be crucified. वह क्रूस पर बलिदान हो जाएगा. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, Bible history of Bible says. Bible का इतिहास इस प्रकार कहता है. 6,000 years before in the Adam, whenever the Eden Garden is there. 6,000 साल पहले ही जब आदम एदेन की वाटिका में था. My dear friends, the God says already there, God Himself will prophesy. वहाँ पर परमेश्वर अपने आप ही भविष्यवाणी करते हैं. Time will come. कि समय आएगा. A time of Moses. मूसा के समय. He prophesied. उसने भविष्यवाणी की. Time will come. जब समय आया. David prophesied. दाऊद ने prophesied. Time will come. भविष्यवाणी की. जब Isaiah prophesied. और वैसे ही समय के अनुसार यशायाह ने भी. Whatever the people spirit of fill the God, then the people speaking about the Christ will God come to this all. जैसे कि वह पवित्र आत्मा से भरते गए पवित्र आत्मा ने जैसे उनको बताया वैसे ही वह भविष्यवाणी करते गए कि मसीहा आएगा सेम लाइक जीसस क्राइस्ट कम दिस ऑल कम एंड ही क्रूसीफाइड ऑन द क्रॉस उसी प्रकार यीशु मसीह आए दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर और क्रूस पर बलिदान हो गए इट इज ऑल द बाइबल रिटन एवरीथिंग ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है मेनी काइंड ऑफ द बुक्स हैव ऑलरेडी और कई प्रकार की पुस्तकें भी हैं एंड लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ विटनेसेस हैव और हजारों गवाह भी हैं माय डियर फ्रेंड्स मेरे प्रिय मित्रों टुडे आज वी आर लर्न आज हम सीखेंगे डेथ ऑफ क्राइस्ट मसीही की मृत्यु आर यू अंडरस्टैंड टू द माय पॉइंट क्या मेरी बात को समझ रहे हैं मसीह के मृत्यु के बारे में सुनेंगे अबाउट द डेथ ऑफ क्राइस्ट हालेलुया हालेलुया I'm really thanks to all of you. You people remember the people maybe every teachings you are receiving by spirit. That's maybe good for me. ये
बहुत अच्छी चीज है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो भी मैं सिखाता हूँ आप उसको रिप्लाई करते हैं, आप उसको सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है। Many people trying to, they are talking to me. बहुत लोग कोशिश करते हैं मुझसे बात करने की, But it's not possible. लेकिन ये संभव नहीं हो पाता Because of some time after the prayer, one to two hours, or maybe little bit time video editing and upload to the YouTube. क्योंकि जैसे ही लाइव प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद 2-3 घंटे करीबन इस वीडियो को अपलोड करने में YouTube में या एडिट करने में टाइम लगता है। Then after that I read word of God and understanding the word the scripture says to the right way. और फिर उसके बाद मुझे वचन की तैयारी करनी पड़ती है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, फिर Also I need to the pray for everyone whoever the watching the programs. और हर जो कोई भी वीडियो देखता है, लाइव देखता है, उन सबके लिए दुआ भी करते हैं। Because of the less team, that's the reason it's very difficult to me. कुछ ही लोग होते हैं हमारी टीम पे, इसलिए बहुत दिक्कत है। But one day come, लेकिन एक समय आएगा, many people together बहुत working से with लोग us. होंगे एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। So now we will read to the death of Christ. आइए अब हम ये सीखेंगे मसीह की मृत्यु के बारे में। Book of Luke chapter 24 verse 25. लूका की पुस्तक 24 का 25 पढ़ेंगे। Everyone please open your Bibles, maybe any device or maybe Bible or maybe sing to this kind of the way you can read and learn for the Christ. आइए हम सब अपनी Bible को खोलें, चाहे वो device में हो, चाहे वो आपके हाथ में हो Bible, हम सब खोलते हैं और सीखते हैं। Book of Luke chapter 24 verse 25. लूका रचित सुसमाचार 24 का 25 में पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो। Then he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जो उसके सामने थे उन्हें वो डांटता है। प्रभु यीशु मसीह एक अधिकार के साथ बोलता है, तुम्हारी बुद्धि मंदी हो गई है क्या? क्या तुम लोग रोज भवन में जाते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल को पढ़ते हो, वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर के भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ते हो? यू एवरी डे अटेंड द चर्च, यू रीड इन द सिनागॉग्स, यू इवन नो द स्क्रिप्चर्स, और तुम्हारे समझ में नहीं आ रही बात, तुम समझ नहीं रहे बात, यानी कि परमेश्वर की वाणी क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मसीह का आना और दुख उठाना सच है। So the it is true, it is reality that Jesus came and he was crucified. मेरे अजीजो, my dear friends, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है। It is written about Jesus. यहाँ यीशु खुद इस बात को कहता है। Jesus himself says. वो ये कहता है। He says. तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, oh, you foolish, और हे भविष्यवक्ताओं की सब बातों को पर विश्वास करने वालों, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. यहाँ मंद मतियों का शब्द आता है। Here the word slow of और 26वें पद में कहता है, says, क्या अवश्य ना था कि मसीह ही ये दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश करे? Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? मेरे दोस्तों, my dear friends, मेरे अजीजो, my dear friends, यहाँ परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। Here it is written about Christ. परमेश्वर की वाणी कहती है। It is the word of God says. यहाँ कहता है कि मसीह का इस दुनिया में आना था। Jesus had to come on this earth. और वो परमेश्वर दुखों को उठाना निश्चय है, यानी कि दुखों को उठाना जरूरी है। necessary to get the sufferings. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, when Jesus Christ was born, पूरे विश्व से यानी कि चार वो मजूसी लोग यरूशलेम पहुँचे, which means all the four wise men went to the Jerusalem. यरूशलेम का मतलब होता है Jerusalem, परमेश्वर का भवन, आराधना की जगह, उपस्थिति की जगह, महिमा की जगह, जहाँ परमेश्वर मौजूद रहता है, वो परमेश्वर के घर में। राजा लोग परमेश्वर की बातों को नहीं पढ़ चुके, जो अधिकारी लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा हुआ। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, यीशु भी मिस्र का राजा बन गया, जोसेफ बिकेम द किंग ऑफ द Egypt. ये टीचिंग होने के बाद में मैं इन बातों को बताऊंगा एक एक विषय को। After this preaching, I will teach you these. याकूब का बेटा यीशु, son of Jacob, उसके Joseph, उसके भाइयों ने उसको मारकर एक नाले में यानी कि एक खाई में डाल दिया गया।
So his brothers beat him, took away his robe and threw him in a pit. उसको कुएं में डाल दिया गया. He was thrown in a dark place. उसको कुएं से निकाला. And he was taken up. उसे परदेशियों को बेचा गया. Now he was sold to the Egyptians. और वो व्यक्ति मिस्र में जाकर गुलामी करने लगा. And then he started being as a slave in Egypt. परमेश्वर का दर्शन. The vision of परमेश्वर God, की उपस्थिति. The presence of God, परमेश्वर की योजना. Of God यीशु के साथ थे और परमेश्वर ने उसी गुलाम को slave, उसी न पहचान वाले को मिस्र का राजा बना दिया मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया यानी कि जिसकी कोई पहचान नहीं मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हैं आप जिस कंट्री में रहते हैं परमेश्वर आपको ऊंचे पद पे बैठा दे आपको और मुझे पता नहीं मेरे जिस क्या पता परमेश्वर अब्राहम लिंकन की तरह आपको भी एक प्रधानमंत्री का पद दे डैनियल की तरह आपको भी एक सलाहकार बना दे राजा दाऊद के सम्मान एक राष्ट्रपति का पद आपको दे दिया जाए position of a president. क्या पता परमेश्वर आप में से किसी को मूसा बना दे प्रभु का वचन कहता है धीरज धरना चाहिए प्रभु की ओर देखना चाहिए धीरज धरना चाहिए प्रभु की तरफ देखना चाहिए मेरे अजीज वो यीशु मिस्र का राजा बन गया मेरी बात समझ पा रहे हैं मिस्र का राजा अब यीशु है ये कौन है साहब गुलाम कोई सहारा नहीं कोई मददगार नहीं कोई इसके साथ नहीं नाले में गिरा हुआ व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई मददगार नहीं प्रभु के साथ रहने से विश्वास में रहने से प्रभु की ओर देखने से मिस्र का राजा बन गया मिस्र का राजा बन गया हालेलुया जो व्यक्ति धीरज के साथ प्रभु की ओर देखते हैं वो एक दिन राज्य करने पाते हैं will rule one day mere azizu us raja ne jab raj karna aarambh kiya started ruling use apne parivar ki yaad aayi he remembered his family apne logo ki yaad aayi he remembered his relatives jab uske parivar ke log wahan par aaye when his relatives came usne unhe ले जाकर अच्छी जगह पे रखा he took them and kept them in a good बढ़िया जगह पे रखा kept them in a good place ओ तुम मेरे relative हो say you are my relatives आप इस जगह पे रहो you live at this place आप इस बंगले में रहो आप इस जमीन पर रहो जिस प्रकार से भारत के अंदर in India, दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है important place, और पूरे इंडिया के अंदर हैदराबाद में जुबली हिल्स एक जानी पहचानी जगह है यानी कि लोगों की इच्छा होती है या तो हम जुबली हिल्स में घर लेंगे साहब या तो हम दिल्ली में कश्मीरी गिटी के पास में आईएस बीटी के पास में जो जगह राजनिवास मार्ग वहाँ पर घर लेंगे साहब Delhi in a good place near the Raj. कुछ लोग की इच्छा होती है Some people have desire. कुछ लोग सोचते हैं Some people think, शांतिवन में हमारा घर हो They have the house in Shantivan. ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ लोगों की इच्छा होती है Where people have the desire. हम यहाँ पर रहे We want to live over ऐसी here. बहुत कीमती जगह मेरे अजीजो यीशु ने अपने परिवार को ऐसी जगह पे बसाया Now Joseph settled his people at a good place. 66 लोग 66 लोग 66 कितने लोग कितने लोग बाइबल कहती है वो 66 लोग वे इतने बढ़ गए वो इतने बढ़ गए वो इतने बढ़ गए वो इतने बढ़ गए खाना पीना सो जाना बच्चे पैदा करना मालूम पड़ा मालूम पड़ा इज़राइल की जनसंख्या मिस्र की जनसंख्या से ज्यादा होने लगी मेरी बात समझ पा रहे हैं इज़राइल की जनसंख्या इज़राइल की जनसंख्या मिस्र से बढ़कर होने लगी मिस्र से बढ़कर होने लगी ज्यादा होने लगी लोग डर गए इज़राइल के लोग ये तो इतने से आए थे इतने हो गए ये तो हमारे देश में दिखोगे मेरे अजीजो एक बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर वे इतने व्यस्त हो गए इतने बिजी हो गए बोलो उन्हें पता ही नहीं चला हमारा प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री
यीशु मर गया है, जोसेफ इज डेड, उन्हें पता ही नहीं है, जिसके वजह से हम इस देश में एक अच्छी जगह पर आए, बिकॉज ऑफ हिम वी केम इन अ गुड प्लेस इन दिस कंट्री, उन्हें पता ही नहीं कि वो मर भी गया है, वो खत्म भी हो गया है, उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति राजा बन गया है। और जो नया राजा बना था उसने कहा ये लोगों को आप गुलामी में डाल दो, इन्हें गुलामी में डाल दो। बाइबल कहती है जब जब भी इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को भूल गए तब तब परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के हाथों में कर दिया। सेम टाइम गॉड kept them in the hands of enemies. तब तक उनके देशों को परमेश्वर ने उजड़वा दिया। God plundered out their countries. आप और हम भी you and me, जब परमेश्वर की महिमा को भूलने लग जाते हैं, प्रभु हमें भी भूल जाते हैं, वो हमें भी छोड़ देता है, वो हमें भी त्याग देता है। इज़राइली लोग 430 साल तक रोते रहे, दाने दाने के लिए मोहताज होते रहे, सर पीटते रहे। ओ, हम तो राजा के वंश से थे, यीशु के खानदान से थे, हमारा प्रधानमंत्री था, कब मर गया, कब चला गया, अब कौन हमारे पास में है, कौन संभालेगा। दोस्तों जब आप प्रभु का मजाक उड़ाएंगे, जब प्रभु को आप छोड़ दो, जब प्रार्थना को छोड़ दोगे, आप ये कहोगे मैं बिजी हूँ, कभी आप सोचे हैं यदि परमेश्वर इस शब्द को कहते मैं भी बिजी हूँ तो आप क्या जवाब दोगे, आप क्या जवाब दोगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दिन भर पसीना बहाते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, लेकिन यहोवा अपने प्रियो को यूं ही रोटी प्रदान करता है, वो यूं ही रोटी प्रदान करता है, वो यूं ही रोटी प्रदान करता है। मेरे दोस्तों इज़राइली लोग भूल गए, इज़राइली लोग को याद नहीं है। यहाँ यीशु कहता है हे मंदमतियो, हे बुद्धिहीनो, क्या तुम भूल गए, क्या तुम भूल गए मसीह का दुख उठाना निश्चय था, यानी कि मसीहा को दुख उठाना यह सही था। हम भी भूल जाते हैं, हम भी उस यीशु को भूल जाते हैं। जब हमारे काम चलने लग जाते हैं, हमारे बिजनेस चलने लग जाते हैं, हमारे मिलने वाले ज्यादा हो जाते हैं, हमारे आने वाले बहुत हो जाते हैं, हमारे दोस्त आने लग जाते हैं, रिश्तेदार आने लग जाते हैं, बिजनेस में बिजी हो जाते हैं। आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव द टाइम, आई एम सो बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी के चार शब्द आते हैं, they are the four abbreviations of busy, चार शब्द आते हैं, four busy, four letters, वो मेरी तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है। so these are from mine and not from you. busy means, busy का मतलब, यदि हम चार शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, if we divide these four alphabets, B-U-S-Y को, B-U-S-Y, be under the Satan yoke, शैतान के बोझ के दबे रहना, which means, यानी कि मैं शैतान के बोझ के नीचे दबा हुआ हूँ, इसलिए प्रभु के कार्य करने के लिए असमर्थ हूँ। Which means I am busy under the yoke of Satan. That is why I am unable to do the work of God. आपके जीवन में 24 घंटे हैं। You have 24 hours in your life. आपके जीवन में 24 घंटे हैं। You have 24 hours in your life. आप थोड़ा समय निकालिए। You give some time. आधा घंटा, half an hour, 15 मिनट, 15 minutes, एक घंटा, 1 hour, 40 मिनट, 40 minutes, जो आपसे निकले, whatever you can, उसमें प्रभु की स्तुति करिए। You praise God in that. परमेश्वर की बातें दूसरों को कहिए। Tell the words. परमेश्वर की महिमा दूसरों को बताइए। Tell the glory. परमेश्वर के कार्यों को दूसरों को बताइए। Tell the words. नहीं तो एक दिन यीशु आपसे भी कहेगा, एक दिन मुझसे भी कहेगा, हे मंदमति विजय, हे निर्बुद्धि विजय, मैंने कहा था ना, ये बात आपसे कहे, आप क्या जवाब देंगे उस दिन, आप क्या जवाब देंगे उस दिन। इसलिए आप परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम इतने बिजी हो गए,
Were you so busy? तुम इतने थक गए. You were so tired. इतने व्यस्त हो गए. You were so busy. Oh my goodness, तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे. That you couldn't remember me. मेरे दोस्तों. My dear friends. मेरे दोस्तों. My dear friends. प्रभु का वचन कहता है. Word of God says. हमने सुना क्या कहता यीशु मसीह है निर्बुद्धि हो. We learned what the God says. Are you foolish ones? इंसान के लिए मृत्यु अवश्य है. Death is must for the human. जो जमीन पर आया उसको मरना पड़ेगा. Those who came on this earth, he needs to die. चाहे वो आप हो या मैं हूँ. Let be you, let be me. मैं कई बार लोगों से कहता हूँ. I say to people. ये मृत्युलोक है. This is the dead. ये मृत्युलोक है. This is the dead. जहाँ पर आप और हम आए हैं. Where you and me are. यहाँ हमें मरना ही पड़ेगा. We have to die over here. यीशु मसीह की मृत्यु. The death of Christ. यीशु मसीह की मृत्यु. Death of Christ. आपकी और मेरी मृत्यु की तरह नहीं थी. Was not like the death of you. आपकी और मेरी मृत्यु की तरह नहीं थी यीशु मसीह की मृत्यु. Was not like the death. उसके बारे में पहले से लिखा हुआ था. It was written before. अब आपकी बारी है. Now it's your turn. अब बताए कहाँ लिखा हुआ था. Now tell where was it. वहाँ लिखकर बताए कहाँ लिखा हुआ था. Now comment it. Where was it written? भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिख दिया गया. In the scriptures of the prophets it was written. भविष्यवक्ताओं ने पवित्र आत्मा के यानी परमेश्वर की उपस्थिति में भरकर उन्होंने भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया. Now the prophets they were filled with the Holy Spirit and they started prophesying. हमारे लिए वो परमेश्वर क्रूस पर बलिदान होगा. For us the Christ will be crucified. यीशु मसीह कहता है. God says. इतने निर्बुद्धि हो गए. Are you so foolish? तुम्हें याद नहीं. You didn't even remember. हम यूसुफ के समय इजरायली लोग भूल गए. पता ही नहीं चला. हमें क्या लेन देन है. हमें तो अच्छा घर मिल गया. हमें क्या करना है. अच्छी गाड़ी मिल गई. हमें क्या जरूरत है. हमें क्या जरूरत है. उन फिजी में रहने वाले गरीब मसीह लोगों के लिए. उन फिजी आइलैंड में रहने वाले गरीब हिंदुस्तानियों के लिए. हमें क्या जरूरत है हिंदुस्तान में रहने वाले उस गरीब मजदूर लोगों के लिए. हमें क्या लेन देन है उस श्रीलंका में रहने वाले गरीब हिंदुस्तानियों के लिए. हमें तो बड़ा घर है. हमें तो चौड़ा घर मिला. हमें अच्छी गाड़ी मिलेगी. हमें अंग्रेजी आती है. हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हैं. हमें कोई लेन देन नहीं साहब. हमें सिटीजनशिप मिल गई. और हमें तो जगह मिल गई है. अपना काम बनता जमुना में दिल्ली के जाए जनता. लोग भूल जाते हैं. लोग भूल जाते हैं. हमें क्या है मेरे अजीजू. जिस देश के आप हो. जो आपके परिवार हैं. जिनके वजह से आप लोग ऊंचे उठे हो. उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए. उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए. यहाँ प्रभु का वचन तुम निर्बुद्धि मत बनो. वो इसराइल लोग यीशु प्रधानमंत्री था भूल गए. The Israelites forgot that the Joseph from their own country was the Prime Minister. What happened? उनका समय ही घूम गया. Their time changed. गुलाम बनकर यीशुब के सामने खड़े थे. They were standing as a slave. गुलाम बनकर खड़े थे. They were as a slave. हमें अनाज दे दीजिए प्रभु. They were like give us grain. हमें खाना दे दीजिए प्रभु. हमारे जानवर मर जाएंगे. Our cattle will die. परिवार मर जाएंगे. Our families will die. नौकर चाकर मर जाएंगे. हमारा याकूब मर जाएगा. हमारा पिता मर जाएगा. हमें भोजन दीजिए प्रभु. जब वो प्रभु को भूल गए. जब प्रभु को भूल गए फिर वो रोने लगे. पिता हमें माफ कर. बाइबल कहती है आकाश मंडल तक उनके आंसू की आवाजें पहुंच गई थी. Now the cries, the sound of the cries was, heard on the heavens. इसलिए परमेश्वर कहता है मूसा. ओ मूसा. मैंने अपने लोगों के दुख को सुना है. I heard the cry of my. मैंने अपने लोगों के आंसुओं को देखा है. जाना होगा छुड़ाने के. You have to go. तुझे जाना होगा. You need to go. मेरे अजीजो. My dear friends. भूल मत जाना. You need not forget. चाहे आप न्यूजीलैंड में हैं. ऑस्ट्रेलिया में हैं. अमेरिका में हैं. लंदन में हैं. कनाडा में हैं. या दुबई में हैं. फ्रांस में हैं. जर्मनी में. कोई भी कंट्री में क्यों ना हो. अपने रिश्तेदार अपने भाई बंधु अपने लोगों को याद रखिए. You need to remember your forefathers, your blood relatives and everyone. जिस मातृभूमि आपका जन्म हुआ उस मातृभूमि को मत भूलिएगा. जिन संस्कारों में जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ उन्हें मत भूलिएगा. मेरे दोस्तों यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए. इतने जल्दी भूल गए. क्या हो गया तुम्हें. कैसे हो गया ये सारा. एक शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा शायद मिल जाए तो अच्छा रहेगा. गलातियों की पुस्तक के अंदर गलातियंस की पुस्तक में शायद पढ़ जाए मिल जाए तो अच्छा रहेगा.
अध्याय तीन का वचन एक में बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 अध्याय तीन का वचन एक में बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 पढ़ेंगे हम लोग क्या कहता है अध्याय तीन का वचन एक में चैप्टर 3 गैलातियंस वर्स 1 गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 क्या कहता है हे निर्बुद्धि गलातियो ओ फूलिश गैलेशियंस किसने तुम्हें मोह लिया है हु हैज बेविच्ड यू तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु नासरी को दिखाया गया मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा की यानी कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के शुभ समाचार से पाया क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Yeah. Or are you so foolish, having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh? 3:3 में कहता है. 3 verse 3 says. क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर तो शुरू किया. Having begun in the Spirit. अब आप शरीर की दिशा पर अंत करना चाहते And are you now being made perfect by the flesh? चाहिए ये था You need to do that. शरीर की दिशा पर शुरू किया आत्मा की रीति पर खत्म करना Started चाहिए with था. The carnal, with the flesh and ending up in the spirit. पौलुस ये कहता है Paul says, पत्रस ये कहता है Peter says, तुम मन फिराओ You repent. मन फिराओ You repent. किधर से मन फिराए From where you need to पापी repent. लोगों के साथ From से मन फिराओ people, पाप से मन फिराओ गुनाहों से मन फिराओ अपराधों से मन फिराओ परमेश्वर के शरण में आओ उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर देखो पौलुस की चिंता बढ़ गई है गलातियो तुम्हें किसने खरीद लिया रे तुम इतने जल्दी कैसे फिसल गए अब व्यवस्था में फंस गए संसार में फंस गए अब 3:13 बनाने में लग गए मेरे दोस्तों मेरे पिताजी एक बात कहते थे जो मैं बजाता हूँ इसको हारमोनियम कहते थे आज भी हारमोनियम ही कहते हैं तेलुगु में ऐसा कहते हैं यदि राग मुंदु ब्रह्म विद्या वचन तरवात कोति विद्या हारमोनियम आने से पहले Before it came, वो ब्रह्म विद्या है It was the godly wisdom, कैसे मालूम है जिसे बजाना नहीं आता गुरु जी के पास आएंगे गुरु जी हमें सिखाओ ओम सरस्वत्याये नमः The one who doesn't know how to play this, he will come to the master and he will request, he'll bow down saying, teach me this. ऐसे करेगा. He will say this. कान पकड़ेगा. He will catch गलत ना बजा पाऊं. Let me not play वो फिर सीखेगा. He will learn it. ऐसे सीखेगा. He will learn like this. जब आने के बाद After he knows, फिर क्या करेगा then what will he do? फिर ऐसे करेगा यानी कि कोई चीज आने से पहले ब्रह्म विद्या है आने के बाद बंदर विद्या है It is the teachings of कहीं से भी शुरू कर दो साहब कुछ भी बता दो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए like ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों यीशु के बारे में खुद वो कहता है तुम क्यों भूल गए तुमने आत्मा की रीति पर शुरू किया पवित्र आत्मा की रीति पर शुरू किया पवित्रता के साथ शुरू कर दिया आराधना के साथ शुरू कर दिया था आप दूसरों को कमी ढूंढने में लगे हो क्या आप दूसरों की बढ़ाई मारने में लगे हो क्या दूसरों को मक्खन मारने में लगे हो क्या भूल गए जिसने अधिकार दिया था उसने गुलाम बना दिया जिसने अधिकार दिया था गुलामी में फिर आपकी और मेरी मृत्यु निश्चय है आपकी और मेरी मृत्यु निश्चय है यीशु की मृत्यु निश्चय नहीं थी जानबूझकर आपके और मेरे लिए गुनाह हुआ है He was died on आपके और मेरे लिए वो खुद पाप बन गया He became the sin for आपके और मेरे लिए खुद क्रूस पर चढ़ गया He was on the cross for you और and आपके और मेरे लिए खुद मर गया Not for you and me, he died. मेरे अजीजों
पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 3 में पढ़ेंगे एक से लेकर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 15 का वचन 1 से लेकर 3 ध्यान से हे भाइयों अब मैं तुम्हें वही शुभ समाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुके हो जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो मेरी बात समझ पा रहे हैं ओ मेरे दोस्तों मेरे परमेश्वर के पवित्र जन मैं आपसे बताना चाहता हूँ पौलुस से कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों मैं कोई नया समाचार नहीं देता मैं कोई नई बात नहीं कहता मैं कोई नई शिक्षा नहीं देता मैं आरंभ में जो पाया था यीशु से बातें मैं आपको बताऊं जिस विश्वास को तुमने प्रभु से प्राप्त किया था जैसे आंखें बंद करके परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया था blindly मैं वही संदेश तुम्हें देना चाहता हूं I'm just giving the same मैं वही संदेश तुम्हें देना चाहता हूं वही संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो ये कहता है मैं कोई दूसरा प्रचार नहीं करता साहब मैं दूसरा प्रचार नहीं करता मैं उसी समाचार को तुम्हें देना चाहता हूं दूसरे पद में कहता है उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा For I delivered to you first of all that which I also received that Christ died for our sins according to the scriptures मेरे अजीजो My dear friends जो विश्वास तुमने पाया है The faith you got उसमें तुम्हें स्थिर होने की जरूरत You need to be blameless in it यदि तुम स्थिर नहीं रहोगे You will not तो हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा Then our hard work is तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा Then your belief is हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा बेहतर है हमारा प्रयास बना रहे तुम्हारा विश्वास बना रहे प्रभु में बने रहो मेरे दोस्त पढ़ेंगे हम लोग तीसरे पद के अंदर इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें बात पहुंचा दी जो कुछ पहुंचाई थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीहा हमारे पापों के लिए मारा गया For I delivered to you first of all that which I also received that Christ died for our sins according to the scriptures. यीशु मसीह की मौत हमारे पापों के लिए for our sins. वचन के आधार पर हुई. According to the scriptures it happened. मेरी बात समझ पा रहे हैं. पहली बात हम सुनते हैं. प्रभु यीशु मसीह खुद बताता है. Jesus Christ मेरे बारे में लिखा हुआ है. पढ़ो भाई. समझो भाई. दूसरी बात वो कहता है. वह परमेश्वर कहता है यहाँ पर कहता है कि शास्त्र में लिखा हुआ है हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो जाता है आपके और मेरे गुनाहों के लिए बलिदान हम पढ़ेंगे प्रियजनों परमेश्वर के वचन में पत्रस की पुस्तक पहला पत्रस अध्याय 1 का वचन 11 में पढ़ेंगे आप सब लोग इधर ही हैं अध्याय 1 का वचन 11 में पढ़ेंगे क्या कहता है यहाँ पर उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था मेरे अजीजों पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा यह गवाही देती थी मसीह दुख उठाएगा मसीह परेशान होगा मसीह आंसू बहाएगा मसीह खून बहाएगा वो दुख सहेगा पवित्र आत्मा ने उसको पहले से एक गवाही दी यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूँ मैं यरूशलेम जा रहा हूँ मुझे पकड़ेंगे लोग मुझे मारेंगे लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा दे हालेलुया पढ़ेंगे हम लोग मेरे यीशु इसी परमेश्वर के वचन के अंदर पवित्र वाणी के अंदर 10वें पद में पढ़ेंगे अध्याय 1 का वचन 10 में कहता है उसके उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की और जांचा और पड़ताल भी की जिन्होंने उसे अनुग्रह के विषय में तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी भी की Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully who prophesied of the grace that would come to you. मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरी बात समझ पा रहे हैं भविष्यवक्ताओं ने जांच पड़ताल करने के बाद में
the prophets, after searching carefully, वो पूरे शास्त्रों को पढ़ के, they read all the scriptures, प्रार्थना करके, they filled the prayer, परमेश्वर की आत्मा से भर के, they filled them with the spirit of God, वे उन बातों को कहते then they say, used to say these words, कि मसीह दुख उठाएगा, that God, the Christ, मसीह दुख उठाएगा, that Christ will suffer for our sins and be crucified. मेरे दोस्तों, my dear friends, आप और हम, you and me, मसीह के पास में आए. ये ऐमे ही घटी हुई घटनाएं नहीं है, ये वैसे ही नहीं हुआ है. इसके बारे में लिखा यीशु के मृत्यु के बारे में, यीशु खुद कहता है, पढ़ो मेरे बारे में. दूसरी बात वो ये कहता है, परमेश्वर कहता है, स्वर्ग दूतों ने इस बात की भी गवाही दी. पढ़ेंगे हम लोग एक का वचन बारह उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहे करते थे, जिनका सुसमाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाए, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने में लालसा रखते थे. To them it was revealed that not to themselves but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. स्वर्गदूत में, the angels, स्वर्गदूत, even the angels. यदि स्वर्गदूतों के बात में कहूँ मैं, talk about angels. बहुत से दूतों के बारे में लिखा. There are many angels it is written. यीशु मसीह का जन्म, the birth of Christ, स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है. Gabriel came to angel and he said, जन्म के बाद, after the birth, स्वर्गदूत आकर गडरियों से कहते हैं. The angel came to the shepherds and says, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, after the death of Christ, स्वर्गदूत आकर मगदलीनी से कहते हैं. The angels came to Magdalene and said, बहन, वो जिंदा खुदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है? Why do you search the living in the dead? उसने अपने कहने के आधार पर जी उठा है. He is raised again as he said. और जब वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में जाने का समय था, चेलों को बात कर स्वर्ग पर उठा लिया गया, फिर स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा, हे गलील के निवासियों, उसने कहा था ना, वो मर जाऊंगा, जी उठूंगा, उठाया जाऊंगा, और वो चला गया है, अब वो आएगा. स्वर्गदूत यीशु मसीह की बातों को पूरा कर रहे हैं. मेरी बात समझ पा रहे हैं? पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में, छठवीं बात में देखेंगे, लूका की पुस्तक अध्याय 9 का वचन 30 में. हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार के पुस्तक अध्याय 9 में. फिर कौन कहता है? स्वर्गीय निवासी, स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले, स्वर्ग से उतर कर आए हुए, मैं ये कहूंगा ये स्वर्गीय अतिथि लोग थे. The guests from heaven, they came down to prophesy. आप समझ पा रहे मेरी बातें? They came down to tell. आप समझ पा रहे मेरी बातें? स्वर्ग के अतिथि चले आए. The angels came down. एंजल नहीं, अतिथि, member of heavenly people, heavenly members come. स्वर्गीय अतिथि आए. हाँ, स्वर्गीय अतिथि लोग आ गए. Members of heaven came. Hallelujah. Angel अलग है, ये स्वर्गीय अतिथि अलग है, स्वर्ग दूत अलग है. इंसान जो पवित्र आत्मा से जब परमेश्वर आएगा, ये नाशवान शरीर वो महिमा में बदल जाएगा, वो तेजस्व होकर उस तेजस्वी परमेश्वर के सामने, महिमा मई परमेश्वर के सामने, ये महिमा का शरीर बनकर के सामने खड़े हो जाएंगे. This is a very big story. Okay, no problem. हम पढ़ेंगे अध्याय 9 का वचन 30 के अंदर क्या कहता है. आप ध्यान दीजिएगा. और देखो, मूसा और इलिहा, यह दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसको मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था. And behold, two men talked with him, who were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his decease, which he was about to accomplish at Jerusalem. इलिया के बारे में, about Elijah, वे परमेश्वर के साथ जिंदा उठा लिया गया था. He was taken up with God.
are innocent to my word. क्या आप समझ रहे हैं? यीशु के साथ यानी कि परमेश्वर के साथ उठा लिया गया. With God, he was taken up to heaven. वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है. He is now seen coming down. ये आकर प्रभु से बात करता हुआ नजर आ रहा है. He's been seen and talking with God. दूसरा व्यक्ति. The second person. मूसा. Moses. जो मर गया था. Who died. इज़राइल में प्रवेश नहीं कर पाया. He couldn't enter. कनान में प्रवेश he नहीं कर पाया. 40 साल की यात्रा. 40 day, और वो मर गया. मेरे अजीजों, वो मूसा आकर यीशु से कह रहा है, यीशु तुझे मरना है, यीशु आपको मरना है, यरूशलेम में मरना है, क्रूस पर मरना है, मानव जाति के लिए प्राणों को देना पड़ेगा, आपकी हत्या की जाएगी. मेरी बात समझ रहे हैं आप? स्वर्गीय अतिथि लोग आ गए. स्वर्गीय अतिथि लोग आ गए. मैं आकर इस बात को कहूं, यीशु आपको मरना है जी. कितनी महान बात है. यीशु की मौत ऐसे ही नहीं हुई. यीशु की मसीह बातों में नहीं हुई उसकी मौत. पढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 17 में पढ़ेंगे. अध्याय 17 का वचन 1 में कुछ बातें कहता है. मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 17 में 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया. वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और वे उसके मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गए. तीसरे पद में कहता है और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, led them up on a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with them. Then Peter answered and said to Jesus, इसमें कोई दोराई की बात नहीं थी. There's no doubt in it. पीटर जी थोड़ा सा वो जल्दबाजी करने वाले इंसान थे. Peter was used to act. चौथे बात में कहता है, इस पर पतरस ने कहा, पतरस ने यीशु को कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो, तो मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए. वो बोल ही रहा था कि एक उज्जवल बादल ने उनके घेर लिया. Behold, और उस बादल में से ये शब्द cloud, सुनाई दिया, हे ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो. And whom I will please, hear him. तुम भवन बनाने की बात मत करो. Don't talk about making तुम मस्जिद बनाने की बात Don't मत करो. Talk about making तुम मंदिर बनाने की बात Don't मत talk करो. About तुम चर्च बनाने की बात Don't मत करो. पहले इसकी सुनो तो सही भाई. Please, you listen to him. क्या चाहता है? What do you want, क्या Jesus? चाहता है? What do you want, तुम उसको मंदिर बनाकर यीशु को अंदर डाल के ताला लगाना चाहते you हो क्या? Jesus, अरे रहन दो साहब. Leave it. उसको दिल में जगा दो. तुम्हारे दिल में रहेगा वो. आपके दिल में रहेगा. मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्वर्ग के अतिथि. हालेलुया. वे स्वर्ग से उतर कर आए. यीशु के दाएं और बाएं खड़े होते हैं. यीशु मरना है. मेरे अजीजो, पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रभु के वचन में. पहला पत्रस अध्याय 1:17-19 तक पढ़ेंगे. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग. अध्याय 1 का वचन हम लोग 17-19 तक पढ़ेंगे. क्या कहता है यहाँ पर पहला पत्रस अध्याय 1:17 यहाँ कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, तो जो बिना पक्षपात हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear.
तो अपने आप को क्या करना है? What you need to do? परदेशी जानकर. Knowing that you're passenger. परदेशी जानकर. Knowing that you're foreigner. परदेशी जानकर. Knowing that you're foreigner. अपने दिन काटो साहब. You will spend your life. ये दुनिया बड़ी धर्मशाला यहाँ पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई आ रहा पर मतलब हम परदेशी वापस भी तो जाना है ईश्वर के पास जाना है परमेश्वर के पास जाना है जहाँ से आप और हम आए क्या कहता है 18वां पद कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा यानी चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition पर निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot मेरे अजीजों मेरी बात समझ पा रहे हैं आप यीशु के लहू के द्वारा आपको और मुझे पाप की क्षमा मिले तो आइए हम भी निष्कलंक बने निर्दोष बने प्रभु की ओर देखें परमेश्वर की ओर देखें आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का वचन 8 में कहता है स्वयं परमेश्वर ने स्वयं परमेश्वर ने पहले से ही लिख दिया From the beginning, पहले से ही लिख दिया था यीशु को बलिदान होना He needs to be crucified. अब मैं आपको बताना चाहूंगा किस किसने कहा साहब स्वयं यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं भविष्यवाणियों की पुस्तक को पढ़ लो मेरे बारे में क्या लिखा हुआ दूसरी बात सुसमाचार के रूप में अन्य पुस्तकों में लिखा है कि यीशु मानव जाति के पापों के लिए मारा जाएगा It is written in the many scriptures and laws that Jesus will be dead. तीसरी बात पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात का प्रकटीकरण कर दिया गया था चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवक्ताओं के खोज बीन के बाद After the prophets searching carefully, एक एक शब्द खोज बीन किया गया Every word, every sentence यीशु की मृत्यु कैसे होगी How will the death of Christ happen? मेरे जीजो पांचवी बात फरिश्तों के द्वारा With the angels, स्वर्ग दूतों के साथ the angels, इस बात को प्रकटीकरण हुआ this we get और छठवी बात में देखते हैं स्वर्गीय अतिथियों के द्वारा through the heavenly ministers, स्वर्ग में ईश्वर के साथ में रहने वाले उन लोगों के जरिए through the people living in heaven, और प्रकाशित वाक्य कहते हैं revelation it says, स्वयं परमेश्वर के द्वारा God himself, ये पहले से लिखा हुआ था यीशु हमारे लिए अपनी जान देंगे मेरे अजीजों आगे 2 बजे के सेक्शन में मैं यीशु की मौत बताऊंगा किस प्रकार से मर गया फिर वो कैसे मुर्दों में से जी हमने कल देखा कल रात को हमने देखा कैसे दुख उठाया आज हमने देखा And today we saw, आज हमने देखा today we saw, कैसे भविष्यवाणियां उसके बारे में करती हैं अब आगे देखेंगे मृत्यु और प्रभु का जी उठना अपनी आंखें बंद करेंगे 2 बजे मिलने की कोशिश भी करेंगे Let us try to meet you.
हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और धन्यवाद आपकी इन बातों के लिए जो आप हमारे लिए इस धरती पर आए। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई बातें नहीं थी, ये तेरे वचन में हजारों साल पहले लिखा हुआ। तूने हजारों साल पहले अपने सेवकों के द्वारा भविष्यवाणियां की थी। धन्यवाद। पवित्र आत्मा के जरिए, स्वर्ग दूतों के जरिए, सेवकों के जरिए आपने इन बातों को पहले से ही प्रकट कर दिया। धन्यवाद आपके प्रेम के, आपकी आशीष के। जितने लोग भी प्रोग्राम देखते हैं उन सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह हो। पिता परमेश्वर, तो अपनी महिमा से हम सबको भर, अपनी शक्ति से भर, अपने सम्मान हमें भर। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। Friends, God bless you all. फिर हम लोग 2 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार मिलेंगे। We'll meet again according to timing at 2 p.m. कुछ बातें और देखें। We'll learn more things. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। Father, the Son, and the Holy Spirit. इसके बारे में हम सीख रहे हैं। We are learning about आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। जय मसीह। God bless you all. Praise the Lord.